ब्राह्मण बोल नहीं सकता है पंडितों की सभा में। अब उस बनारस में जब हम लोगों की शताब्दी मनाए तो जावत विद्वान थे बनारस के, सभी लोगों ने संस्कृत के गद्य में पद्य में उनका अभिनंदन किया। उस दिन मुझे पता चला कि काशी विद्या नगरी के सारे वेदांती नैयायिक मीमांसक स्वामी हनुमान दास जी को अपना गुरु मानता है। ये बीजक आप लोग देख रहे हैं, बीजक बिकता है, सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ है। पंडित हरिहर कृपालु जी पटना सिटी के राम निरंजन दास मोरारका संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे। एक दिन बैठ करके स्वामी जी बीजक का पाठ कर रहे थे तो द्विवेदी जी ने कहा कि स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मसूत्र का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, कि कौन गमारू भाषा में क्या पढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी ने, जिनके शिक्षा गुरु थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हरिहर कृपालु जी, उन्होंने बीजक की एक चौपाई की व्याख्या करके उनको समझाया। तब हरिहर कृपालु जी इतने बड़े प्रौढ़ विद्वान थे कि मिथिला जो विद्या की नगरी मानी जाती है वो विद्यालय, वो कृपालु जब विदिला मिथिला आए तो मिथिला शिथिला जाता। बड़े बड़े नैयायिक वेदांती आज मिथिला में रहते हैं, लेकिन कृपालु जी जब मिथिला आए तो प्रशस्ति में लिखा गया कि मिथिला शिथिला जाता, मिथिला शिथिल हो गई उनके पंडित के सामने। ऐसे प्रौढ़ विद्वान की समझ में सदगुरु कबीर के बीजक की एक चौपाई की एक पंक्ति नहीं आई तो स्वामी जी से हरिहर कृपालु जी ने कहा कि स्वामी जी आपको मैंने पढ़ाया है तो हमको दक्षिणा कुछ दीजिएगा, का जीवन ही आपकी दक्षिणा में समर्पित है। आई जो बीजक ग्रंथ है चार वेदों का प्राण है, इसकी एक चौपाई की व्याख्या सुन करके मेरा जीवन निहाल हो गया। अगर पढ़ाने की दक्षिणा हम पाप देना चाहते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। बूढ़ सुग्गा पोषमान जो कहावत आप लोगों की है, 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, इतनी प्रौढ़ता प्राप्त की, बीजक ऐसे टेढ़ मेढ़ ग्रंथ को गद्य में अनुवाद नहीं किया। ये 11 प्रकरण के कबीर साहब के बीजक है, उन 11 प्रकरणों का अनुष्टुप में, इंद्रवज्रा में, शार्दूल में, शिखरदी में, ये सारे संस्कृत के काव्य के नाम हैं। तो पद्य में उस ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद कर दिया। मैंने ये कहना चाहा आप लोगों से कि आप संकल्प लें तो कोई भी कर्म, कोई भी उपलब्धि आपके लिए दुरूह नहीं बन सकती। जानकारी के अनुसार काम करने का प्रयास करें। तो स्वामी हनुमान दास जी साहेब 16 वर्षों तक पटना की फतवा कबीर आश्रम में, जो भारतवर्ष के सबसे प्रमुख कबीर आश्रम है, जब मैं वहाँ रहता था इससे 50-60 वर्ष पहले तो 40,000 मन धान होता था। भारतवर्ष के किसानों में फतवा स्थान का नाम आता था। उस कबीर आश्रम में स्वामी हनुमान दास जी 16 वर्षों तक रहे, तमाम हरिद्वार से ऋषिकेश से पढ़ने के लिए विद्यार्थी उनके पास आते थे। उनको एक दिन सुना दिया किसी ने कि छपरा जिले में स्वामी आत्मा राम जी बड़े निराले संत हैं,
इतनी बड़ी भूमिका मैंने बांधी कि जिसकी जानकारी उसके आचरण में पच जाती है उसको बहुत बोलने का समय नहीं बचता है। स्वामी जी तुरंत हाथ में कमंडल लिए, जिज्ञासु तो बहुत बड़े थे, चले गए स्वामी आत्माराम जी के पास। तो स्वामी आत्माराम जी कपड़ा को चीर दें और उसको सुई धागा से सी दें और फिर उसी को बैठ करके गांठ को खोलते रहते थे कि मन को फुर्सत नहीं मिले कि अन्य विषयों का चिंतन करे। अपने मन को उसी में केंद्रित करने की उनकी साधना थी। तो स्वामी जी गए, लोगों ने कहा यही स्वामी आत्माराम जी हैं, चले जा रहे हैं। स्वामी जी उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया तो स्वामी आत्माराम जी ने कहा कि कहां दौड़े चले आए हो, रुक जाओ, अनादि काल से दौड़े आ रहे हो, दौड़ना तुम्हारा समाप्त नहीं होगा क्या? जिस दिन तुम्हारे दौड़ने की क्रिया समाप्त हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा प्राप्तव्य तुम्हारी स्मृति के सामने हो जाएगा, उपदेश हो गए। मैंने कहा कि ऋषि लोग एक शब्द में कहते कि 200-400 किलोमीटर दूरी करके स्वामी जी वहां गए, आधे घंटे का प्रवचन नहीं हुआ, एक सूत्र में प्रवचन हुआ कि रुक जाओ। स्वामी जी को सबक मिल गया, हम रात दिन दौड़े चले जाते हैं इंद्रियों के साथ, मन के संकल्पों के साथ दौड़ते हैं, आँखों के साथ दौड़ते हैं तो आँखें रूप तक पहुँचा देती है, कान के साथ दौड़ते हैं तो कान शब्द तक पहुँचा देते हैं, नाक के साथ दौड़ते हैं तो गान नाक गंध तक पहुँचा देती है, जीभ के साथ दौड़ते हैं तो जीव हमको खटरस तक पहुंचा देती है, चमड़ी के साथ दौड़ते हैं तो कोमल कठोर नरम गरम स्पर्श तक पहुंचा देती है। इन तमाम इंद्रियों के साथ हम अनादि काल से दौड़ते चले आ रहे हैं। अगर तुम रुकना चाहते हो तो मन के सारे संकल्पों से रुक जाओ, इंद्रियों के व्यापारों से रुक जाओ। बहुत बड़ा उपदेश स्वामी जी को मिल गया एक शब्द से कि रुक जाओ। यही भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था, एक शब्द का उपदेश। जब महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल ने कहा कि ए राह चलने वाले राही, तुमको खौफ नहीं है क्या, भय नहीं है, इस रास्ते से चलने कोई हिम्मत नहीं करता है और तुम कैसे चले जा रहे हो, रुक जाओ, भगवान बुद्ध को भय कहां। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को कहा कि रुक जाओ, भगवान बुद्ध ने कहा कि जिसको तुम रुकने के लिए कहते हो वो रुक गया है, तुम कब रुकोगे, उपदेश हो गया। ये बुद्ध हिंसा से रुक गया है, भोगवाद से रुक गया है, संसार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से रुक गया है, तुम कब रुकोगे। इतनी छोटी सी बातों को सुन करके अंगुलीमाल बदल गया, छोटा सा उपदेश। या आज लोगों के पास जानकारी इतनी है, भेड़ी से गड़ेरी अधिक है, सुनने वालों से सुनाने वाले अधिक हैं आज हमारे समाज में। क्यों? जानकारियां बहुत हो गई हैं। आज इस युग में आवश्यकता है जितनी जानकारियां हो गई हैं उन जानकारियों को धीरे धीरे क्रिया में रूपांतरित कर देना। हमारा नीति ग्रंथ कहता है ज्ञानं भारः क्रियं विना, ज्ञान कर्म के बिना ज्ञान भार स्वरूप है।
हमको ज्ञान का भार है, बोझ है। किसी ने कहा, जथा खरस चंदन भार बाही, भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य तथा ही विप्रा। श्रुति शास्त्र जुक्ता सदाचरण हीना खरबद बहंती। खर कहते हैं गधा को। गधे की पीठ पर लकड़ी लाद दी गई, निर्धारित स्थान पर गधा जाकर लकड़ी को गिरा देता है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी पीठ पर चंदन है कि बबूल की लकड़ी है। क्यों? भारस्य वेत्ता, क्यों? भार को जानने वाला है, न तो चंदनस्य। उसी तरह से संपूर्ण वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, जितने हमारे पाठ ग्रंथ है अध्यात्म क्षेत्र में, सभी को हम कंठस्थित कर लिए। एक बार वही महापुरुष स्वामी हनुमान दास जी साहब को पटना की फतवा में लोगों ने कहा कि बहुत बड़े वेदांती पंडित हैं मुजफ्फरपुर जिले में। फिर क्या था, स्वामी जी चल दिए। अब संपूर्ण वेदांत शास्त्र का अध्येता, दूसरे को पढ़ाने वाला, ब्रह्म का निरूपण, बंधन का, मोक्ष का निरूपण करने का अप्रतिहत ज्ञान उनके पास, क्रिया कितनी नगण्य है। स्वामी जी जब गए उनसे बात करने की इच्छा से, तो तालाब की तरफ से आ रहे, एक हाथ में बंसी है और दूसरे हाथ में मछलियों का गुच्छा है। किसी ने कहा कि यही वेदांती है कबीर साहब। स्वामी जी ने कहा कपाट होगा, खत्म हो गया। उसी गधा की तरह है, जैसे गधा की पीठ पर लकड़ी है, बोझ है, तो लकड़ी गधा को ये पता नहीं है कि बोझ बबूल की लकड़ी का है कि चंदन का है, क्यों? बोझ को जानता है। तथा ही विप्रा, उसी तरह से विप्र हैं, सारे शास्त्रों को कंठस्थित कर लिया, लेकिन एक वाक का भाव आचरण में उतरा नहीं। बड़ी निर्ममता के साथ लेखक कहता है, ऐसा सुश्री श्रुति शास्त्र को के बोझ को दिमाग में लेने वाले विप्राह खरबद बहंती, गधे की तरह ज्ञान के बोझ को ढोने वाला है। हो सकता है उसी पंक्ति में हम भी आ जाए। बोलते तो बहुत ज्यादा हैं, करना से होता है कि नहीं होता? देखिए, बोलते हैं, भाषण देने से सम्मान मिलता है, भाषण देने से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, इसको भी गहराई समझिए। भाषण देने से समाज में सम्मान मिलेगा, और भाषण के अनुकूल आचरण करने से आपके जीवन में शांति आएगी। तो मैंने कहा ये कि जानकारियां बहुत हैं। एक उदाहरण मैं दूं आपसे, अररिया जिले में एक गांव है गिद्वास के बगल में लक्ष्मीपुर, वहाँ एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, आजकल मकान बन गया है बढ़िया से। उसी आश्रम के प्रांगण में मैं कुर्सी लगाकर बैठा था, वहाँ से सड़क उत्तर से आती है, आश्रम के निकट से पूरब चली जाती है। एक आदमी उत्तर से आया, दुर्भाग्य से उसने हमको नहीं देखा, किंतु मैंने उसको देख लिया। और उसका स्टाइल कैसा है सो देखिए, मुंह से तो कहते आ रहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाथ में तंबाकू रगड़ते आ रहा है। ऐसा लग रहा था उस आदमी से कि चुटकी से वो हनुमाने को रगड़ रहा है, मुंह से कहता जा रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और हाथ से तंबाकू रगड़ रहा था। मैंने उसको देख लिया, वो आया आश्रम के सामने, सीधे पूर्वाभिमुख हो गया, पूरब चल दिया। जब कुछ दूर आगे गया है तो मैंने कहा कौन हो जी, तब सहसा मुड़ कर मेरी तरफ देखा, जैसे हमारे ऊपर नजर पड़ी
कि बना बनाया माल जो भीतर जाने वाला था, झट से हाथ को पीछे करके हाथ के माल को धराशायी कर दिया। कपड़ा से रगड़ते रगड़ते नजदीक आया, कहा साहब क्या आज्ञा थी? हमने कहा जाओ काम हो गए। हमने कहा काम हो क्या गया? हम कि देखो तुम जो करते आ रहे थे इसकी मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। तंबाकू चाटना बुरा है ऐसा एक भी वाक्य मैंने नहीं कहा। मेरे ऊपर नजर पड़ते तुम्हारा भीतर का जो स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव कहता है कि तंबाकू खाने की चीज नहीं है, इस शराब पीने की चीज नहीं है, चोरी करने लायक कर्म नहीं है, हिंसा करने लायक कर्म नहीं है, व्यभिचार करने लायक कर्म नहीं है, ये स्वभाव तुम्हारे पास है। जब मेरे ऊपर नजर पड़ी तो तुम्हारा स्वभाव ने कहा कि कर क्या रहे हो, अब जा रहे हो किसके पास, उसी स्वभाव के लिहाज से मैं तंबाकू को नीचे गिरा दिया। जब तुम्हारा ही स्वभाव कहता है कि तंबाकू